ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम हुए दर्दनाक रेल हादसे में मरने वालों की तादाद 300 के करीब पहुंच गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद से ही आर्मी एयरफोर्स सहित कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। दिल दहला देने वाली इस घटना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, कैसे दो ट्रेनें एक पटरी पर आ गई, हादसे का गुनहगार आखिर कौन है, कैसे ये तीन ट्रेनें आपस में भिड़ गई, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुक्रवार शाम को ट्रेन हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। पहले दो ट्रेनों कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर थी और इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस से टक्कर की बात भी सामने आई। हादसे की तस्वीर भयावहता को बयां कर रही थी। अनहोनी से अनजान कई लोग उस वक्त नाश्ता कर रहे थे, अपनी मंजिल में पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक झटके में हंसी खुशी चीख पुकार में बदल गई और ट्रेन के डिब्बों में पानी की बोतलें, खाने का सामान, चप्पल, जूते हर कहीं बिखरे नजर आए। लोग ट्रेन की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की जद्दोजहद करने लगे। इस हादसे के बाद पूरा देश सकते में है। आइए जानते हैं कि हादसा कैसे हुआ। यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीक बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। आउटर लाइन पर एक माल गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 बहनागा बाजार से 300 मीटर पहले डीरेल हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस 12864 की ट्रैक पर पड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों ट्रेनों के करीब 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई एसी कोच अगले ट्रैक पर पलट गए थे, लिहाजा इसमें मौतों के आंकड़े सबसे अधिक हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ती है। हादसे से कुछ समय पहले ही ट्रेन ने शालीमार स्टेशन को पार किया था। कोरोमंडल ट्रेन में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो काम के सिलसिले में या फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तमिलनाडु का रुख करते हैं। लेकिन दो ट्रेनें एक ही पटरी पर कैसे आ जाती हैं, इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी खराबी। इस हादसे के पीछे तकनीकी खराबी को अब तक वजह माना जा रहा है। खबरों की माने तो सिग्नल की खराबी की वजह से दो ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और हादसे का शिकार हो गई। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर ही दिया जाता है। भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ये नंबर है 9167822626 और 8972073925 9332392339 8249591559 7978418322 और 9900370746 जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस दर्दनाक हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक व्यक्त किया है, तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली चोटों वालों लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस हादसे को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या सवाल हैं, वो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।